आज के टेस्ट के लिए कबीर की साखियां रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, 120 ईयर्स। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि हैं। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। आपको एक बात पता होगी, जिस समय में जो कवि होता है, जो लेखक होता है, उस समय समाज की जो स्थिति होती है, वही बातें उसकी रचनाओं में झलकती हैं। समाज जैसा होगा, कवि अपनी रचनाएं वैसी ही करेगा। तो उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है, मन को छू जाती है। एक ओर धर्म के बाह्य डंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। आपको अगर पता हो, हिंदी साहित्य में अलग अलग काल हुए, पता है? लिटरेचर में अलग अलग एराज होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, सुने होंगे। अलग अलग युग होते हैं, काल होते हैं। जैसा समाज होता है उसके अनुसार, जैसे कभी कोई क्रांतिकारी चल रही है लहर, साहिर लुधियानवी के बारे में सुना होगा। उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, लोगों को मेहनत का महत्व बताना था कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है, तो उनकी कविताएं वैसी थी। और कबीर की कविताओं में सामाजिक चेतना है, लोगों को समाज के प्रति उन्होंने जागृत किया। अगर आपको पता हो, भक्ति काल एक काल हुआ हिंदी साहित्य में, उस समय भक्ति चर्म पर थी। ठीक है, भक्ति काल में दो धाराएं हुई, एक थी सगुण काव्य धारा और एक थी निर्गुण काव्य धारा। पता है इसके बारे में, सुना है? पता है, पहले डिस्कशन हुई है इस बारे में आपकी क्लास में। ओके, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में वो कवि हुए जिन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, जो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, जैसे तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने राम के साकार रूप का वर्णन किया। भक्ति है लेकिन साकार रूप, सगुण। ठीक, मीराबाई, इन्होंने कृष्ण की बात की, उनके साकार रूप की बात की। ठीक है, जो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे वो कहते थे ये सब आडंबर है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने राम के रूप को माना, इन्होंने कृष्ण के रूप को माना। ये कहते थे ईश्वर एक है, वो निराकार है, अरूप है,
उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ईश्वर है, उसी की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, इनमें हुए जैसे कबीर, रहीम, ये जो कवि थे, आपने रहीम के बारे में नाइन्थ में भी पढ़ा है, रहीम के पद पढ़े हैं नाइन्थ में, है ना। जो ये कवि थे ये कहते थे कि ईश्वर एक है, निराकार है, और ये अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी रचनाएं रचते थे। हमने जब रहीम जी पढ़े थे उसमें कितने नैतिक मूल्य दिए थे, है ना, रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पढ़ा है ना। कबीर जी भी बहुत सारी बातें कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आकर प्रेम के बड़े से पंडित हुए, कहते हैं ये जीवन के मूल्य हैं, इन्होंने जीवन मूल्य दिए हैं। ये कहते हैं कि अनुभवों के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए, शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं देते थे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कहा जाता है, नहीं, वो कहते थे हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर ही हमें चलना है। उसके बाद कबीर की साखियों की बात करते हैं। साखी, साखी का अर्थ क्या है, साक्षी या गवाही, साक्षी या गवाही। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आंखों के सामने है, मतलब इन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव देखे, जो प्रत्यक्ष देखे, उन्हें अपनी रचनाओं में उतारा है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है। ये संत थे, इन्हें संत कहा जाता है, संत कबीर संत संप्रदाय से है। शास्त्रीय ज्ञान का कोई महत्व नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, जिन्होंने 120 साल की आयु पाई, उन्होंने अपनी इतनी लंबी आयु में कितना कुछ देखा होगा, कितना अनुभव प्राप्त किया होगा। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल की खिचड़ी कहा जाता है, कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, आपको पता होगा दोहा, चौपाई, छंद, ठीक है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। ये थोड़ा डीप में चला जाता है, लघु गुरु मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं और फिर विश्राम, उसके मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य के जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रहने योग्य भी होती है। शुरू करते हैं साखियां। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरण को सुख होए। इस साखी में कबीर जी ने मीठी वाणी के महत्व पर बल दिया है। अगर हम कभी कड़वा बोलें, घर में हम थोड़े लाउड हो जाते हैं, बोल देते हैं घर में कुछ, तो क्या घर के लोग खुश होते हैं? केवल हमारा मन परेशान रहता है, क्या होता है, घर में भी सब परेशान होते हैं, है ना। फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स के साथ कभी ऐसे बात हुई तो क्या केवल आप दुखी हैं, फ्रेंड्स दुखी नहीं है? तो हमें ऐसे शब्दों का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमें भी दुख दें और दूसरों को भी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आपा मतलब अहंकार, घमंड, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का द्वेष, मन का घमंड सब दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे, मन खुश तो तन भी खुश, शीतल मतलब शीतलता देना, जिससे हम भी शीतल रहें और औरण को सुख होए और दूसरे लोग भी सुखी हों।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। इसमें उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर कण कण में है, घट घट में है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हम ईश्वर को कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एक हिरण है, हिरण के अपने ही अंदर कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू उसको आती है, उसे पता नहीं है कि मेरे अंदर से खुशबू आ रही है, और वो वन वन में उस खुशबू के पीछे भटक रहा है, दौड़ता जा रहा है, यहां से खुशबू है, यहां से खुशबू, यहां से खुशबू, भागता जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि उस खुशबू उसके अपने अंदर है। इसी तरह से कबीर जी कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, कण कण में घट घट में प्रभु विद्यमान है। प्रभु आपके हृदय के अंदर ही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है, लोग तो भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं। नेक्स्ट इज, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। यहां पर मैं का मतलब है अहंकार, मैं अहंकार, घमंड। जब तक आपके भीतर घमंड है, अहंकार है, आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन आप अपना गुस्सा, अपना अहंकार सब छोड़ देंगे, उस दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे भीतर घमंड था, अहंकार था, तब तक मैंने प्रभु को प्राप्त नहीं किया था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे भीतर प्रभु है और सब अहंकार दूर है। सब अंधियारा मिट गया, जो अंधकार था, जितना अंधेरा मेरे और चारों ओर छाया था, वो सब खत्म हो गया है। जब दीपक देखिया माही, मेरे भीतर एक दीपक जल रहा है, प्रभु तो मेरे भीतर ही है। जब मैंने अपने भीतर से उन प्रभु को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे जीवन में से अंधकार खत्म हो गया है। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो प्लीज शो योर थम्स। ओनली वन दक्षिता, ओनली टू, थ्री, बाकी लोग, छह लोग बाकी कहाँ गए? चलिए नेक्स्ट। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इसमें कबीर जी कहते हैं, ये संसार तो सुखी है, सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, खा रहा है सो रहा है, खा रहा है सो रहा है, खा रहा है सो रहा है, कोई दुखी नहीं है, सुख ही सुख है ना। कहते एक मैं इतना दुखी हूं जो जाग रहा हूं और रो रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। इस दोहे में कबीर जी के कहने का भाव यह है कि ये मनुष्य जन्म बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला है। इस जन्म को समझो, मनुष्य जन्म को, ये जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, खाने सोने खाने सोने खाने सोने के लिए नहीं मिला। सोलिया खा लिया, सोलिया खा लिया, खा लिया सोलिया, नो। कहते एक मैं हूं, इस दुनिया में केवल मैं ही दुखी हूं जो जाग रहा है और रो रहा है। मनुष्य जीवन सोने और खाने के लिए नहीं मिला। ईश्वर की भक्ति करें, इस जीवन को सफल बनाना है, बुरे कर्मों को छोड़ना है, ईर्ष्या द्वेष राग मोह ममता सबको छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, फिर असली सुख आपको मिलेगा। जिस सुख में हम हैं वो तो सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आज हैं कल नहीं है। हमारी वाटर बॉटल, हमारा बैग कितना प्यारा है, हम कितना संभाल संभाल के रखते हैं, एक दिन टूट जाएगा तो हम खुद ही डस्टबिन में फेंक देंगे, खराब हो गया है ना। ये चीजें सांसारिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं जो नश्वर हैं, खत्म हो जाएंगी। एक ईश्वर ही है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा है, जो हमेशा हमारा रहेगा।
ओके नेक्स्ट बिरहे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई राम भी योगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। बिरहे बिरहे मतलब विरहा जुदाई भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो वह अलग होना वो जो बिछोड़ा होता है वो जो वियोग होता है वो इतना बुरा होता है कि मंत्र न लागे कोई कोई दवाई कोई तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करता है। जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो उसके मन को चैन नहीं होता कोई तंत्र मंत्र उसे काम नहीं आता। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो। इसी तरह से जो व्यक्ति राम से अलग है ईश्वर से अलग है वो जी कैसे सकता है वो जी नहीं सकता। हम सब जी रहे हैं हमारे पास राम नहीं है ईश्वर नहीं है पर हम सब जी रहे हैं इसका मतलब हम संसार में फंसे हुए हैं सांसारिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं। राम भी योगी ना जीवे जो मनुष्य राम से अलग हो गया वो जी नहीं सकता। जीवे तो बौरा होए बौरा मतलब बावरा हो जाना पागल हो जाना अगर वो जी रहा है तो वो पागल हो जाएगा उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अपने आप को चमकाने के लिए हम कितना साबुन लगाते हैं ना कितने फेस वॉश लगाते हैं है ना तरह तरह के बॉडी वॉश फेस वॉश बहुत सुंदर बन जाते हैं ऐसे ही रहते हैं। ओके तो कबीर जी कहते हैं साबुन का कोई फायदा नहीं है है ना मन साफ होना चाहिए और साबुन से अच्छा ये है कि एक निंदक अपने पास रखो जो तुम्हारी निंदा करे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी निंदा भी करता हो बुराई भी करता हो। निंदक नेड़ा रखे नेड़ा मतलब पास अपने पास एक निंदक रखना चाहिए आलोचक जो तुम्हारी निंदा करे। आंगन कुटी बसाए हो सके तो अपने घर के अंदर ही उसको एक कुटिया बना के दे दो हर समय तुम्हें देखता रहे तुम्हारे दोष निकालता रहे तुम्हें बताता रहे। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए बिन साबुन पानी बिना पानी और साबुन के बिना ही निर्मल करे सुभाए। सुभाए मतलब स्वभाव तुम्हें साबुन और पानी की जरूरत नहीं है। एक निंदक जब तुम्हारी निंदा करेगा जब तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम्हारा स्वभाव वैसे ही निर्मल साफ स्वच्छ हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए एक है अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। आपको मैम ने सब शब्दों के अर्थ भी बताए होंगे जरूर आपको शब्द अर्थ भी करने हैं किसी भी शब्द का अर्थ एमसीक्यू उसमें पूछा जा सकता है ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पोथी मतलब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़ कर जग मुआ जग मतलब इस संसार के लोग मुआ मुआ मतलब मर गए बहुत सारे लोगों ने बड़े विद्वान हुए बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए ग्रंथकार हुए बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए पढ़ लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर मर गए। पंडित भयानक हुए लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बन सका क्यों एक है अशिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। अशिर मतलब अक्षर पीव का मतलब प्रेम का एक है अशिर पीव का पढ़े सुपंडित हो लेकिन जो व्यक्ति प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है जिसे इस संसार के जीवों से प्रेम करना आ जाता है वो पंडित बन जाता है उससे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति हर जीव से प्रेम करना सीख जाएगा वो कभी कोई कुकर्म करेगा ही नहीं उसके हाथों से कुछ भी गलत नहीं होगा और उससे बड़ा पंडित कोई नहीं होगा।
हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाली जालों तास का जे चले हमारे साथ। इसका अर्थ मुझे कौन बताएगा? सुना नहीं आपने? सुना नहीं क्यों? ध्यान नहीं था? हम घर जा लिया अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कौन बताएगा इसका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो वन। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है। हम घर जालिया अपना, हम मतलब हमने, मैंने, अपना मतलब अपना, घर मतलब घर, जालिया मतलब जला लिया, कि मैंने तो अपने हाथों से अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मतलब क्या? मुराड़ा मतलब मशाल, कहते हैं जलती हुई लकड़ी, मशाल लेकर मैंने अपना घर जला लिया है। इसका क्या मतलब है? कि प्रभु की भक्ति करके ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मोह माया रूपी घर मैंने जला दिया है। मुराड़ा मतलब मशाल, जलती हुई लकड़ी, कहते हैं जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर मैंने अपना घर जला दिया। इसका क्या मतलब है? कि ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी, ज्ञान रूपी मशाल से मैंने मोह माया रूपी घर जला दिया है। अब घर जालो तास का, अब उसका घर जलाऊंगा जय चले हमारे साथ, जो मेरे साथ रहेगा अब मैं उसका घर जलाऊंगा। अपना घर तो मैं जला चुका हूं, अब जो मेरे साथ होगा मैं उसका घर भी जला दूंगा। इसका क्या मतलब है? मतलब उसका भी मोह माया से छुटकारा करवा दूंगा, उस व्यक्ति के भीतर भी मोह माया के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे साथ जाना चाहता है, जो व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहता है, उसे भी ज्ञान प्राप्त करना होगा और उसे भी मोह माया से दूर होना होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? डाउट नहीं है तो प्लीज मुझे थम शो कर दीजिए बेटा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये क्लियर हो गया। बस तीन लोग, चार लोग, बाकी पांच सक्षम, तेजवीर, वैभवी, निष्ठा, जैसिका। ओके फाइन। ओके, आज आप लोगों का टेस्ट है, आपको 2 बजे टेस्ट मिल जाएगा। हाँ जी, गूगल फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ है, पीडीएफ भेजूंगी मैं आपको। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, सारा टेस्ट एमसीक्यूज फॉर्म में है। हाँ जी, आप प्लीज उसको सिर्फ क ख ग मत लिखिएगा, उसके सामने उसका आंसर भी लिखिए, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, ऑप्शन नंबर लिखिए और राइट आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, इतना काम करेंगे और आप अपनी पीडीएफ रीनेम करेंगे और मुझे भेजेंगे, साथ में अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर जरूर लिखेंगे। ओके, किसी और टॉपिक में कोई डाउट? कल चैप्टर डिस्कस किया था, आज कबीर की साखियां की हैं, समास और मुहावरे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी को समास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, वो भी डिस्कस करवा देती हूँ। 6 भेद होते हैं और जो समास शब्द होता है उसे समस्त पद भी कहते हैं, समासिक पद भी कहते हैं, उसके भेद पता होने चाहिए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि जब आप समस्त पद का विग्रह करते हैं तो उसमें आपको कारक चिन्ह मिलता है,
द्विगु समास की पहचान है कि जब आप विग्रह करते हैं तो पहला पद संख्या होती है, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर उसमें और तथा या आदि मिलता है, ऑपोजिट्स होते हैं, लिंग बदलो वाले शब्द होते हैं, और उसके बाद बहुव्रीहि समास जब आप उसका विग्रह करते हैं तो पता चलता है कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और द्विगु समास जरूरी नहीं है कि बहुव्रीहि समास हो, जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके, ये जरूरी नहीं है कि द्विगु समास हो क्योंकि ये रावण को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे पहला पद संख्या है लेकिन ये रावण को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य होते हैं, जैसे नील गाय, नीली है गाय जो, ठीक है, कर्मधारय समास हो गया। एक आता है नीलकंठ, नीलकंठ ऐसा शब्द है जो कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है, उसके विग्रह पर डिपेंड करता है। अगर विग्रह है नीला है कंठ जिसका, तो बहुव्रीहि बन गया, नीला है कंठ जो कर्मधारय बन गया, ठीक है। उसके बाद अव्ययी भाव समास है, जब आप इसका विग्रह करते हैं तो आपको पहला पद एक अव्यय मिलता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक आदि बदलने पर भी कभी भी बदलते नहीं है। यह समास की समरी है। ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, किसी का ऑप्शन क और ख दोनों भी हो सकते हैं, किसी का ऑप्शन अलग अलग भी हो सकता है। प्रश्न को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़कर बहुत ही ध्यान से उत्तर चुनिएगा और लिखिएगा। धन्यवाद। अभी भी किसी को कोई समस्या कहीं है तो बता दीजिए। नो क्लास, हाँ जी, नो, ओके। दक्षिता ने बहुत ही अच्छी एक इमोजी भेजी है, दक्षिता मैं कारण जानना चाहूंगी इसका, बताएंगी? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। मतलब समझ आ गया जो आपने समझाया। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू।